चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की सूचना आपको सहजता से प्राप्त हो सके। करैरा शिवपुरी जनपद में जिला मुख्यालय शिवपुरी से पूर्व में लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर महुआर नदी के तट पर बसा शिवपुरी जिले का दूसरा सबसे बड़ा शहर। पश्चिम में शिवपुरी से आने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग करैरा शहर के शिवपुरी बाईपास तिराहा से टीला बाईपास होते हुए पूर्व में झांसी की ओर प्रस्थान कर जाता है। शिवपुरी बाईपास से मुख्य सड़क करैरा शहर की ओर प्रवेश करती है। यह मार्ग शहर में शिवपुरी मार्ग के रूप में ही जाना जाता है। शहर में प्रवेश करते हुए सड़क आईटीबीपी सेंटर के क्षेत्र से गुजरती है। आगे बढ़ते हुए गुरुद्वारा स्थित सपोर्ट वाहिनी तिराहा से साक्षात्कार होता है। यहां गुरुद्वारा साहिब का परिसर स्थित है। तिराहे से उत्तर की ओर सड़क भीतरवार होकर डबरा ग्वालियर की ओर प्रस्थान कर जाती है। पूर्व की ओर शिवपुरी रोड महुआर नदी के सेतु को पार कर मुख्य करैरा शहर में प्रवेश कर जाता है। करैरा शहर में वर्तमान में लगभग 35,000 की जनसंख्या निवास करती है। यह जनसंख्या की दृष्टिकोण से शिवपुरी जनपद में शिवपुरी के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा शहर है। साथ ही यह ग्वालियर संभाग का 8वां सबसे बड़ा शहर भी है। शिवपुरी झांसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर बसा होने के कारण यह नगर विकास के पथ पर तीव्र गति से अग्रसर है। पूर्व की ओर बढ़ते हुए सड़क कच्ची गली तिराहे पर पहुंचती है। कच्ची गली तिराहा शहर का महत्वपूर्ण स्थान है। यहां से पूर्वोत्तर में शहर का कच्ची गली बाजार स्थित है। कच्ची गली बाजार शहर का मुख्य व्यापारिक बाजार है। कच्ची गली तिराहे से शिवपुरी मार्ग पूर्व की ओर बढ़ते हुए शहर के सबसे महत्वपूर्ण चौराहे सहायता केंद्र चौराहे पर पहुंचता है। सहायता केंद्र चौराहा शहर का व्यस्ततम चौराहा है। यहां पुलिस सब डिविजनल ऑफिसर का कार्यालय भी स्थित है। यहां से पूर्व में झांसी रोड एवं उत्तर में बीज भंडार मार्ग प्रारंभ होता है। बीज भंडार रोड शहर का महत्वपूर्ण मार्ग एवं व्यापारिक बाजार है। बड़ी संख्या में यहां आसपास के ग्रामीण एवं शहर के लोग खरीदारी हेतु एकत्रित होते हैं। डिवाइडर युक्त यह आधुनिक मार्ग पूर्णतः व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र बन चुका है। कहा जाता है करैरा शहर को 1350 ईस्वी में बसाया गया था, तब इसे नाम मिला कर्णहार। समय का चक्र चलता रहा और कर्णहार नाम धीरे धीरे परिवर्तित होकर करैरा एवं अंत में करैरा हो गया। 1618 ईस्वी में यहां पुण्यपाल परमार जी द्वारा ऐतिहासिक दुर्ग का निर्माण भी कराया गया था। बीज भंडार मार्ग उत्तर में बढ़ते हुए फूटा तालाब झील से होते हुए पूर्व की ओर मुड़कर नगर परिषद कार्यालय पर पहुंचता है। यहां नगर परिषद करैरा का प्रशासनिक कार्यालय स्थित है। यहां से पूर्वोत्तर की ओर पुराना करैरा कस्बा बसा हुआ है। सहायता केंद्र चौराहे से पूर्व की ओर मुख्य सड़क झांसी रोड के रूप में अनाज मंडी की ओर बढ़ जाती है। करैरा प्रशासनिक दृष्टिकोण से शिवपुरी जनपद की 11 तहसीलों में एक है। यह सब डिविजनल मुख्यालय भी है। पूर्व में बढ़ते हुए सड़क करैरा पुलिस थाना से होकर गुजरती है। थाना से पूर्व की ओर सड़क कॉलेज रोड तिराहा से गुजरती है। कॉलेज रोड तिराहा से दक्षिण की ओर कॉलेज रोड बाईपास इसे टीला चौराहा पर जोड़ता है। पूर्व की ओर झांसी रोड नई मंडी परिसर की ओर बढ़ जाता है। एसडीएम कार्यालय तहसील परिसर एवं अनाज मंडी से होते हुए झांसी रोड पूर्व में झांसी की ओर प्रस्थान कर जाता है। करैरा आना, इसे कैमरे में संजोना एक यादगार अनुभव रहा। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। करैरा शहर पर बना यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने उन मित्रों एवं प्रियजनों के साथ साझा करें जो करैरा शहर अथवा इसके आसपास के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। मुझसे सीधा जुड़ने के लिए आप इंस्टाग्राम पर अकाउंट ध्रुव एम्पायर को फॉलो कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगले ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक आपका मित्र मैं ध्रुव वर्मा आप सभी से विदा लेता हूं। धन्यवाद। जय बजरंगबली।